बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिज़ाइन फॉर कॉलम फुटिंग को इस वीडियो में हम डिज़ाइन कर रहे हैं, और उसके लिए शेयर डिज़ाइन इसमें हम कर रहे हैं। लेंथ है और थिकनेस टी। इसमें भी वही है कि ग्रेड जो है ग्राउंड लेवल, उससे ये 4 फीट नीचे जो है हमने फुटिंग का बेस जो है वो प्लेस किया है। ये स्क्वायर फुटिंग है। कॉलम के लिए हमारे लिए सूटेबल ये होता है कि स्क्वायर फुटिंग हम डिज़ाइन करें, क्योंकि उसमें हमने एक अगर डायमेंशन निकाल ली तो दूसरी ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि दोनों सेम होती हैं स्क्वायर की। हमारे पास डेड लोड और लाइव लोड गिवन है, और हमारे पास ये प्रॉपर्टीज गिवन है, एफ सी डैश है, एफ वाई है, अलाउेबल बियरिंग स्ट्रेस और यूनिट वेट ऑफ सोइल, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। क्यू ई जो हम निकाल रहे हैं वो हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक तो ये कि हम एवरेज निकाल लें दोनों के यूनिट वेट का, और फिर हम क्या करें, ये हमारे पास अलाउेबल बेरिंग स्ट्रेस था माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय एवरेज जो हमने निकाला है। 4 क्यों? क्योंकि हमारी फुटिंग जो है वो है 4 फीट बिलो ग्रेड। इस तरह से ये आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि ये आ गया अलाउेबल माइनस। अब हम देखेंगे कि हमारा कंक्रीट यानी हमारी फुटिंग जो है वो उसकी थिकनेस क्या है। इसकी थिकनेस हमने फॉर एग्जांपल अज्यूम की 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। यहाँ हमें 2 करनी चाहिए जबकि वॉल फुटिंग में हमने 1 की थी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वॉल हम अगर हम देखें वॉल की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। वॉल फॉर एग्जांपल अगर एक रूम की बात करें, 10 बाय 10 का रूम है तो 10 फीट की वॉल हो गई, लेकिन कॉलम जो होता है वो उसका एरिया कम होता है वॉल के मुकाबले में। तो लोड जो है वो सारा वॉल पे अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो फॉर एग्जांपल वॉल है 10 फीट की और हमारा 400 का जो है वो लोड है, तो क्या हो जाएगा, 40-40 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 40 पर फिट। लेकिन अगर कॉलम है, कॉलम 2 बाय 2 का है, तो कॉलम छोटा है, उस पर जो है सारा लोड उस कॉलम पे आएगा। इस वजह से कॉलम की जो हम फुटिंग बनाते हैं उसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए वॉल के मुकाबले में। तो अप्रोक्सीमेटली हम ये कहते हैं कि डबल होनी चाहिए। तो वहाँ अगर हमने उसकी थिकनेस वॉल की फुटिंग की 1 फीट की थी, तो यहाँ 2 करनी चाहिए। बहरहाल या ये तो हम एक जनरली बात कर रहे हैं कि हमने 1 इसकी अगर रिज्यूम की थिकनेस, तो मल्टीप्लाई बाय 150 इसका यूनिट वेट था। इसी तरह माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 110, क्योंकि 1 फीट का तो ये हो गया कंक्रीट, उसके ऊपर 3 फीट की जो है हमें मट्टी भरनी होगी सोइल, तो उसका ये 3 आ गया मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ सोइल। बहरहाल यहाँ से हमारे पास क्यू ई आया। हम इसमें इस सवाल में इस वाले क्यू ई को यूज़ करते हुए सोल्व कर रहे हैं। एरिया ऑफ फुटिंग क्या होगा, लेंथ दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना होगा L1 L2। एरिया होता है लोड डिवाइड बाय स्ट्रेस या फोर्स पर स्ट्रेस, या असल फॉर्म में हमारा स्ट्रेस क्या क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया यहाँ आ गया, फोर्स स्ट्रेस जो था वो यहाँ आ गया, जगह चेंज कर ली। इन दोनों की वैल्यू हमने पुट की मल्टीप्लाई बाय 1000 किया ताकि कैप LB में आ जाए, और डिवाइड हमने इफेक्टिव स्ट्रेस से किया। L1 L2 की वैल्यू आ गई, L1 मल्टीप्लाई बाय L2। L1 L2 इक्वल हैं L के, तो इनकी जगह जब दोनों की जगह L पुट किया तो L स्क्वायर हो गया। अब इसका हमने रूट ले लिया तो हमारे पास L की वैल्यू आ गई जो है 10 फीट। अब अल्टीमेट बियरिंग स्ट्रेस निकालना है, वो होता है फैक्टर्ड लोड डिवाइड बाय एरिया। ये फैक्टर्ड लोड हो गया, एरिया क्या है L इंटू L। सारी यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास अल्टीमेट बेरिंग स्ट्रेस आ गया। अब हमें क्या करना है, चेक फॉर शेयर। कॉलम में दो तरह के शेयर होते हैं, एक पंचिंग शेयर, एक बीम शेयर, जबकि वॉल में सिर्फ बीम शेयर होता है। बीम शेयर यानी वो वन साइडेड है। कॉलम को अगर हम देखें तो कॉलम चारों साइडों से जो है वो उसमें शेयर एक्ट करता है, पंचिंग शेयर अगर हम कह लें तो। इसलिए कॉलम में जो है दोनों शेयर को हमें चेक करना होता है, बीम शेयर को भी पंचिंग शेयर को भी। VU का फॉर्मूला है φVN, और VN इसके बराबर होता है VC प्लस VS। हमने डिस्कस किया था वॉल वाले सवाल में कि VS को हमने 0 क्यों किया, क्योंकि हम स्टील फाउंडेशन में जो है शेयरिंग स्टील जो है वो हम प्रोवाइड नहीं करते, स्टिरअप्स प्रोवाइड नहीं करते। अब VC का फॉर्मूला यहाँ पे ये यूज़ होगा, जबकि बीम शेयर के लिए अगर हम कर रहे होंगे तो होगा 2 लेमडा। कॉलम शेयर में क्या है, 4 लेमडा। कॉलम शेयर नहीं, सॉरी, पंचिंग शेयर, दो हमारे पास शेयर होते हैं, पंचिंग शेयर, बीम शेयर। वॉल में सिर्फ हम बीम शेयर के लिए चेक करते हैं, कॉलम में हम दोनों के लिए करते हैं। इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा है कि यहाँ B नॉट यूज़ किया हुआ है।
पंचिंग शेयर में, जबकि बीम शेयर में सिर्फ यहाँ पे बी यूज़ किया हुआ है, क्योंकि बीम शेयर वन साइडेड होता है और कॉलम शेयर टू साइडेड होता है, और बी नॉट यानी इसका टोटल पैरामीटर, टोटल पेरीमीटर जो है इसका वो हम यूज़ करेंगे। बी नॉट कैसे निकाला, ये हमारे पास अगर हम देखें ये कॉलम है, फिर उसके बाद उसकी ये फुटिंग है, और ये फिर जो है वो फाउंडेशन है। अब अगर यहाँ हम देखें तो ये डी बाई टू यहाँ से बड़ा हुआ है, डी बाई टू यहाँ से, ये जो एक्स्ट्रा है डी बाई टू प्लस डी बाई टू होता है डी, तो ये दोनों साइडों का अगर हम काउंट करें तो हो गया डी, और ये अंदर जो है ये है सी वन यानी सी वन प्लस डी, इसी तरह यहाँ सी टू प्लस डी, तो सी वन प्लस डी ये है और सी वन प्लस डी ये है, यानी दो बार हो गया। इसी तरह सी टू प्लस डी ये भी और सी टू प्लस डी ये भी, तो दो बार हो गया। अब अगर हम देखें कि यहाँ तो ये स्क्वायर फुटिंग की हम बात कर रहे हैं, स्क्वायर की यानी दोनों ये डायमेंशन सेम है, यानी सी वन और सी टू दोनों सी के बराबर हैं, तो इन दोनों की जगह अगर हम सी पुट करें तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे, और दोनों का कोफिशिएंट टू है तो टू प्लस टू फोर हो गया। ये हमारे पास बी नोट का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आ गया, इसमें थिकनेस हमने 24 अज्यूम कर ली, कवर वही 3 अज्यूम किया, तो डी कैसे आया, थिकनेस माइनस कवर। बी नोट हमने कैलकुलेट कर लिया, वी यू, अब वी यू के लिए क्या हो गया, क्यू यू, इस टोटल का एरिया क्या होगा, एल वन मल्टीप्लाई बाई एल टू माइनस, अब इस अंदर का जो है ये कॉलम की जो फुटिंग बनी हुई है इसका एरिया माइनस करेंगे, वो क्या होगा, एक ये लेंथ है सी वन प्लस डी और दूसरी ये है सी टू प्लस डी, सारी वैल्यूज हमने पुट की, यहाँ से वी यू की वैल्यू आ गई। वी यू की वैल्यू निकालने के बाद अब वी यू का दूसरा फॉर्मूला पाई वी सी वाला, ये हमने यूज़ किया और यहाँ से हमारे पास डी आ गया। ये डी ओके क्यों है, क्योंकि हमने ये है प्रोवाइडेड, जबकि रिक्वायर सॉरी ये है रिक्वायर्ड, प्रोवाइडेड क्या था, वो हमारी अजम्पशन से आया था, वो यहाँ हमें मिला है, अज्यूम हमने की थी थिकनेस 24 और उसमें कवर हमने माइनस किया तो हमारे पास 21 आया था, ये था प्रोवाइड, रिक्वायर्ड उससे थोड़ा सा कम आया यानी सेटिस्फाइड है, और ये हम डायमेंशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी 10 फीट की लेंथ और थिकनेस जो है वो 24 की, 24 इंचेस की। थैंक यू।